दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। इन्होंने कहा कि प्रजा संग्राम यात्रा, ये संग्राम किस चीज के लिए है, किस चीज के लिए संग्राम है? ये संग्राम है मजलिस के निर्पक्ष चलने वाली सरकार के खिलाफ, ये संग्राम है, ये संग्राम है परिवारवाद चलाने वालों के खिलाफ संग्राम। हमारे भाई राजेंद्र तेलंगाना आंदोलन से उनके साथ थे, क्यों भारतीय जनता पार्टी में आए? क्योंकि वहां उनके लिए कोई स्कोप ही नहीं है, वहां एक ही परिवार का शासन चलता है, पिताजी बेटा और बेटी। ये संग्राम मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर के अंदर विकास का जो यज्ञ चल रहा है, इससे आज तेलंगाना पिछड़ रहा है, तेलंगाना के गरीबों के लिए संग्राम है। ये संग्राम तेलंगाना के आदिवासियों के लिए संग्राम है, ये संग्राम तेलंगाना के दलितों के लिए संग्राम है, और ये संग्राम तेलंगाना की माताओं और बहनों की सुरक्षा के लिए संग्राम है। और मैं आपको बताता हूं, अगर कोई समझता है कि ओबीसी के चरण में जाने से हम बच जाएंगे, तो मैं बताकर जाता हूं तेलंगाना की जनता आज से जागरूक हो रही है, ओबीसी के चरण में जाकर आप नहीं बच सकते हो, नहीं बच सकते। दिन ब दिन तेलंगाना की जनता भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर लोकसभा के चुनाव में 20% से ज्यादा वोट दिए। हमने करीमनगर, नजीमाबाद, आदिलाबाद और सिकंदराबाद 4 सीटें जीती और 3 सीटों पर हम बहुत नजदीक आकर हारे, 3 सीटों पर। मैं बताता हूं आपको, अगले चुनाव में लोकसभा में, अगले चुनाव में लोकसभा में सारी की सारी सीटें मोदी जी की झोली में तेलंगाना की जनता ने। हैदराबाद नगर निगम का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीट मजबूत करी और उनको ओवैसी की मदद लेने की जरूरत पड़ गई, ओवैसी की मदद लेने की, मगर उन्होंने निसंकोच ली। और मित्रों, मैं आज बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में खत्म हो रही, पूरे देश भर में, तेलंगाना में टीआरएस का विकल्प कांग्रेस पार्टी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। आप मुझे बताओ, अगर कांग्रेस पार्टी विकल्प हो भी जाए, वो क्या मजलिस के डर से यही करेगी ना जो ये कर रहे हैं? ये ओवैसी के खिलाफ लड़ सकते हैं क्या? ये रजाकार संस्कृति के खिलाफ लड़ सकते हैं क्या? मित्रों, केवल और केवल तेलंगाना का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के अलावे कोई उजागर नहीं कर सकता। मित्रों, कोई उजागर कि सरदार पटेल ने तेलंगाना को आजादी 17 सितंबर 1948 को दी, मगर तेलंगाना को सच्ची आजादी तभी मिलेगी जब ये मजलिस की बैसाखी के बगैर की सरकार तेलंगाना में बनेगी। मुझे बताइए आप, अगले चुनाव के अंदर मजलिस की बैसाखी बगैर की सरकार बनाएंगे क्या आप? जोर से बोले बनाएंगे, पीछे बारे नहीं बोलते, बोले बनाएंगे। माताओं, भाइयों और बहनों, मजलिस की बैसाखी बगैर की सरकार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। तेलंगाना के गरीबों का कल्याण करने वाली सरकार केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बना सकती। चंद्रशेखर राव की सरकार है, उसका चुनाव चिन्ह कार है, कार क्या है भाई, बोलो तो, कार है ना? आप मुझे बताओ, कार को पहिए चलाते हैं या स्टीयरिंग चलाता है? कौन चलाता है? स्टीयरिंग चलाता है ना? ये कार तो टीआरएस की है, चंद्रशेखर राव की है,
मगर इसका सीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। ऐसी कार, ऐसी गाड़ी तेलंगाना का भला कर सकती है क्या? कर सकती है क्या? मित्रों, मैं आज आपको इतना कहना चाहता हूं कि 1400 से ज्यादा, 370 से ज्यादा युवाओं का जीवन का अंत पुलिस फायरिंग में हुआ था तेलंगाना राज्य के लिए, और 1400 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है। हमने ऐसे तेलंगाना के लिए ये गौरव दिया था, आंदोलन किया था और बलिदान दिया था जो तेलंगाना के गौरव को पुनः प्रस्थापित कर। मैं आज इस ऐतिहासिक दिन पर, हैदराबाद विमोचन दिवस पर, मोदी जी के जन्मदिन पर और विश्वकर्मा दिन पर आप सभी को वादा कर जाता हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, हम यहां पर तेलंगाना के गौरव को हमेशा हमेशा के लिए प्रस्थापित करने का काम करें।